नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। ग्रहण काल किसी भी मंत्र तंत्र सिद्धि के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। माना जाता है कि ग्रहण काल के दौरान अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आप उस पर सिद्धि हासिल करते हैं और आप उसका आगे उसके जप के प्रयोग से अपनी मनोवांछित जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति होती है। तो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूं, अगर आपके भी शत्रु हैं, शत्रुओं से आप परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने शत्रुओं को परास्त करें और अपने जीवन में सफलता हासिल करें, तो आप ये वीडियो जरूर देखें। हर किसी के जीवन में बहुत सारे शत्रु होते हैं, चाहे वह व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे वो घर परिवार से जुड़े हुए लोग हों, आस पड़ोस के लोग हों, नौकरी पेशे से अगर हम जुड़े हैं वहां पर भी हमारे किसी न किसी से अनबन और काम को लेकर शत्रुता रहती है। ऐसे में इन परेशानियों से अगर आपको छुटकारा पाना है, अगर आप अपने शत्रुओं को परास्त करना चाहते हैं, तो ग्रहण काल में आपको वो कौन सा मंत्र करना चाहिए वो मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी। मंत्र कौन सा है, मंत्र के लिए आपको तैयारी किस तरीके से रखनी है, कितना वक्त आपको देना है और कौन सा समय उपयुक्त होता है इसके लिए, और क्या कुछ सावधानियां आपको मंत्र जप करते समय रखनी है, इन तमाम चीजों की जानकारियां मैं अपने इस वीडियो में आपको दूंगी। तो वीडियो अंत तक देखें सभी लोग, क्योंकि शत्रुओं से परेशान हैं और चाहते हैं कि उनके शत्रुओं का नाश हो और जीवन में वो हर तरफ सफलता हासिल करें। तो वीडियो अंत तक देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूं कि आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आपको बता दूं, वो मंत्र है मां बगला मुखी का मंत्र, मां बगला मुखी का बीज मंत्र। ये मंत्र मैं आपको बता दूं, मां बगला मुखी की पूजा आराधना से आप शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर आपकी कोर्ट कचहरी में कोई केस मुकदमा फंसा हुआ है और बहुत समय से आपकी तमाम तरह से धनहानि हो रही है, सफलता आपको हासिल नहीं हो रही है, तो आप इस मंत्र के जप करने से उस मुकदमे में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आपको मैं आज बताऊंगी कि किस तरीके से ग्रहण काल के दौरान ये मंत्र का आप जप करें और शत्रुओं को परास्त करें, किसी भी कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले के मुकदमे में अपनी जीत आप सुनिश्चित करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप मां बगलामुखी, जो 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है, थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। ग्रहण काल के दौरान आपको मंत्र के जाप के पहले ही तैयारियां पूरी कर लेनी है। तैयारियों में आप क्या करेंगे, जैसा कि पता है ग्रहण काल के दौरान हमें पूजा पाठ नहीं करना होता है, तो आपको एक घर का एक एकांत हिस्सा, एक एकांत कोना लेना है, आपको वहां पे बैठ के इस मंत्र का जाप करना है। उसके लिए आप ये भी सुनिश्चित करें कि आपको कोई रोके टोके नहीं, ऐसी जगह पे आप बैठे जहां पर आप ध्यान की मुद्रा में मंत्र का जप कर सकें। आपको इसके लिए तैयारी और करनी है कि जो भी, जैसे एक माला आपको जप करनी है, माला को अगर एक दो लोग साथ में साधक कर रहे हैं तो एक गुमुखी आप रखें, एक कुशा, एक आसनी रख लें, कुशा की आसनी रख लें, ये सब तमाम चीजें आप पहले ही उस जगह पर जहां पर आपको ये मंत्र का जप करना है आप रख लें। ग्रहण शुरू होने के पहले ही आप नहा के एक शुद्ध कपड़ा आप पहन ले, शुद्ध वस्त्र पहनकर जब ग्रहण शुरू हो, ग्रहण शुरू होने के वक्त से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसी चीजों में क्या होता है कि संख्या का महत्व नहीं होता है कि हम कितनी संख्या का मंत्र का जप करें। एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि संख्या कितनी होनी चाहिए मंत्र जाप की, तो इसमें संख्या नहीं है, क्योंकि ग्रहण का, हर ग्रहण का एक अपना अपना समय होता है, एक अपना अपना काल होता है, तो उसी समय काल में आपको करना है, आप जितनी की संख्या में अपनी सुविधा अनुसार कर सकें। ग्रहण शुरू होने से आपको बैठ जाना है, ग्रहण शुरू जब होता है और ग्रहण समाप्ति तक आप कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं, कोई ग्रहण लंबा भी हो जाता है तो आप नहीं कर सकते हो, तो उसके पहले आप छोड़ देंगे। मंत्र जप के लिए मैंने आपको बता दी सामग्री और जो तैयारी है वो आपको पहले कर लेनी है, और इसके बाद जब आप मंत्रों का जाप कर ले, तो मंत्रों के जाप के बाद आप अगर ग्रहण के अंत तक अगर आप कर रहे हैं, तो ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको स्नान कर लेना चाहिए। जब
फिर उसके बाद जो पूजा की सामग्री आपने रखी है तब उसे आप जगह पर हटाएं और पूजा मंदिर की जैसे आप साफ सफाई करते हैं और घर को पवित्र करने की क्रिया होती है वो सब आप करें, लेकिन उसके पहले आपको नहीं छूना है उन सामग्रियों को। अब मैं आपको बता दूं कि मंत्र क्या है। मां बगलामुखी का मंत्र शत्रु नाशक मंत्र होता है और अगर इस मंत्र को आप ग्रहण काल में करते हैं आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप वैसे तो चाहे बाद में भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं लेकिन ग्रहण काल में किए ऐसे जप से बहुत ज्यादा फायदा होता है। मंत्र मैं आपको बता दूं दोस्तों, मंत्र ध्यान से सुने, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिख भी दूंगी। मंत्र है ओम लिंग बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशय लिंग ओम। ये मंत्र आपको जपना है। मंत्र को मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख रही हूं। और आपको बता दूं कि इस मंत्र में अगर आप कोर्ट कचहरे मुकदमे में सफलता हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए कर रहे हैं, तो सर्व दुष्टानाम की जगह पर आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसके खिलाफ आपने मुकदमा या उन्होंने आपके खिलाफ किया हुआ है, या फिर जो आपका शत्रु है उस शत्रु का नाम लेकर भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आपको पहले ही मैंने बताया है कि मंत्र जब जब खत्म आप कर लेते हैं उसके बाद ग्रहण काल समाप्त होने के बाद आपको नहा धोकर पूजा की सामग्री हटानी है। तो ये मंत्र बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। शत्रुनाश अगर आप चाहते हैं अपना करना और अपने जीवन में जो परेशानियां आ रही है उसे खत्म करना, तो ग्रहण काल के दौरान इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है मैंने आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और तमाम तरह के सवाल आते हैं कि शत्रु बहुत ज्यादा है और जिसकी वजह से जीवन में बहुत दिक्कतें हैं, तो किसी भी ग्रहण में आप इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद अपने शत्रुओं को परास्त करें, उनसे विजय हासिल करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। किसी भी तरह की अन्य जानकारियों के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।